इन किताबों की तो एक मिनट जरा रुकें। अच्छा जी, एक रेफरेंस है हमारे सामने। मैं स्क्रीन नहीं शेयर, क्योंकि मैं लैपटॉप से निकल चुका हूँ, स्क्रीन नहीं शेयर कर पाऊंगा, मगर मैं उसको बोल दूंगा। जी किधर गया है, आप रेफरेंस ना बोले, एक खाली मिनट बात जरा बता दीजिए रुकिएगा, बस आपका। रुक जाए जरा। आपके लिए, आप अकेले के लिए ना बोलना स्वामी जी, पब्लिक भी सुनती होती है, उनको भी नोट लेंगे ना। छंदों के उपनिषद है, ठीक है। अच्छा, इसमें सातवां खंड है इसका, अध्याय चौथा, यानी अध्याय चौथा सातवां खंड, और इसके इब्तदाई दो श्लोक और दूसरा। उसमें सबसे पहले यह बयान किया गया है कि वेदाज, यहाँ ये एक्सप्लेन किया गया कि वेदास को किस तरीके से क्रिएट किया गया। यहां पर किसी जगह पर भी ब्रह्मा का जिक्र को, पूरी की पूरी वेदास क्रिएट की गई। अच्छा, इसके अलावा आपको बता देता हूँ, जिस जगह पर जो है, देखिए क्वेश्चन एक से मिनट आप जरा, रहे हैं, अब आप बता रहे हैं विवेक बन आपका। उनको पढ़ने इसमें दीजिए मैं भाई, सर ये भी मुझे काट रहे थे ना, जब बिल्कुल उनको पढ़ने सुन तो रहे हैं, दीजिए। सुन तो रहे हैं, मैं आपको तसली से सुना है, आपने मुझे एक बार भी पूरा नहीं बोल दिया, मैंने आपको सुना है, ठीक है ना। जी आगे और बोलिए। आपको तो थोड़ा सा मैंने पूछा तो आप परेशान हो गए। इधर सुने, ये मुंडाका उपनिषद है, उपनिषदों में मुख्तलिफ है, मुंडाका उपनिषद है, और उसका फर्स्ट मुंडाका और पहला ही खंड है, और उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने सारी की सारी वेदास को देवास को आगे दिया, ये ब्रह्मा ने। अच्छा, आ रहे हैं उसमें से एक ऋषि ये हैं, एक ऋषि, और क्रिएट कैसे किया है, अपने मुंह के जरिए से, अपने मुंह से सारी वेदास को बाहर निकाल दिया, तो ये यहां अब लिखा हुआ है। आप कह मैसेंजर रहे हैं कि ब्रह्मा एक ऋषि हैं। होता है कि ब्रह्मा ने आपके एतबार से उन्होंने लिखा, जबकि आपके उपनिषद में ये बात लिखी हुई है कि ब्रह्मा ने वेदास को क्रिएट किया, अपने मुंह से निकाला, तो लिखा या जी मुंह से निकाला? कई जगहों पे मेंशन, देखिए ऐसा है जो सृष्टि की रचना है एक बार नहीं हुई है, कई बार होके सृष्टि प्रलय में डूब चुकी है। तो ब्रह्मा जी ने कई कई उसमें कई बार ऐसा मेंशन आएगा, कहीं पर आएगा कि ब्रह्मा जी ने वेद लिखे, कई बार मेंशन आएगा कि ब्रह्मा जी ने वेद प्रदान करिए किए, मगर जब हम बिल्कुल गूढ़ उसमें चले जाएंगे डेप्थ में, तो वहां पर यही होता है कि सृष्टि की जो रचना होती है तो उसके साथ ही वेद स्वतः प्रकट हो जाते हैं तो भगवान के स्वरूप में। बाद मरतबा ब्रह्मा जी प्लीज ने वेद लिखे भी होंगे ना? प्लीज आपने ये मान प्लीज, लिया, आप ये मान रहे हैं कि बाद मरतबा पढ़ले में चला गया, ठीक है। अब जब उसके बाद दोबारा क्रिएशन हुई, दोबारा वो साइकिल शुरू हुआ, तो बाद मरतबा ऐसा भी हुआ होगा कि ब्रह्मा जी ने वेद लिखे होंगे, जी। लिखना एफर्ट साबित हो गया कि वेद एफर्ट से आए, मुझे ठीक मुझे आमिर भाई से बात कर लेनी थी, है। पांच मैसेंजर भाई, मैसेंजर भाई, लिखना एफर्ट मैं है आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सिंपल क्वेश्चन। आपने जी। बताया कि आपके पास परंपरा है और आपके पास जी चेन ऑफ नरेशंस है, आप मानते हैं ना ये जी बात? सारी मैं चेन ऑफ मानता नरेटर्स हूं, आपके पास? इसी बारे में मुझे आपसे बात करनी है ना, ये आमिर भाई से इसी बारे में बात करनी, प्लीज मुझे करने दीजिए। जी, जी 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 मैं कर रहा हूँ अभी। जी जी आप यही पॉइंट मैं उठाया हूँ, इसे मेरे पे बात कर हाँ लीजिए अभी से। तो आपके सर, पास, आप मानते हैं कि सारे चेन ऑफ नरेटर्स आप, मैंने दयानंद सरस्वती का और जो कुछ उन्होंने कुछ प्रमाण रखे हैं ना, मतलब शास्त्रों के, उसी इसीलिए उनसे बात करनी है मुझे, प्लीज ठीक मुझे है आप बात बात करनी। बात करिए आप। तो अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि जी जी जैसे कुरान के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसमें शैतान ने ये कर दिया था, वो कर दिया था, कुछ लेखक ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि कुरान में जो है मिलावट हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो क्या इसके हुआ बारे है, में क्या कुरान हुआ है, कुरान में मिलावट की गई है, 50 साल तक कौन कुछ कौन आयतें बोलता है, थी जो, कौन बोलता कौन है, कौन बोलता बोलता है, कुछ लेखक हैं ऐसे मेरे है, पास, है कौन है, उनका कुछ नाम, नहीं ना, कुछ कुछ मैं कहता हूं, कुछ देवान लेखक कहते हैं वेदाज मैंने रुश्दी, बनाई है। सलमान रुश्दी बोलता है। मैं देता हूं, मुझे डर इस बात का है कि मुझे फोन ज्यादा यूज करना नहीं आता है, मेरे फोन में एविडेंस है, और उसमें वो नाम है जो, सलमान रुश्दी बोलता है, मैं आपको हेल्प कर दूं। अब शायद यही नाम होगा शायद, हाँ यही नाम तो है। शायद, हाँ है। अब शायद बात ये आती है, मेरा सवाल ये है कि आप ही की बात को क्यों माना जाए, ये उनकी बात ही ना, क्यों ना ठीक है माने। ठीक है। गलत मत मैं समझे आपसे, ना आमिर भाई एक मिनट, जी। आमिर भाई आप समझते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती और सलमान रुश्दी दोनों इक्वल स्टेटस के हैं? ठीक बिल्कुल दयानंद है, सरस्वती जो है वो प्रामाणिक गुरु नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, अच्छा आप ही एक बात मजरत, मान मैं सकती है। बताया कि आप मुझे बताएं मुझे सलमान जो रुश्दी बताया क्यों है, है, एक मुझे मिनट मेरे फ्रेंड ने जो बताया वो सुन लीजिए, आपकी एक बात है मिनट सर, कि एक मिनट एक मिनट फ्रेंड की बात बात जो में चेन, करना, आपको पता है सलमान रुश्दी कौन है?
सलमान रुश्दी के साथ तारुफ करा दे हम आपसे कि सलमान रुश्दी कौन है। सलमान रुश्दी वो शख्स है कि जिसने एक बदनामे जमाना किताब सैटानिक वर्सेस लिखी, और झूठ का पलंदा जिसकी वजह से, और उससे पहले ही वो इस्लाम से निकल चुका था, वो खुद अपने आप को मुसलमान नहीं मानता, बिल्कुल एथियस्ट है वो एथियस्ट है। उसने इस्लामोफोबिया के मरस में मुबतला होकर, और इंग्लैंड में जो भी उसको स्टेटस हासिल करना था वो हासिल करने के चक्कर में उसने एक किताब लिखी जो बदकिस्मती से मशहूर हो गई। आप उसको, सलमान रुश्दी को और स्वामी दयानंद सरस्वती को, जो कि हिंदुइज्म के एक बहुत बड़े फिरके के रहनुमा हैं आर्य समाज के, आप दोनों को एक मान रहे हैं, ये आप कह चुके हैं। अब मैं सर, मैं अपना जवाब दूं अब आपको? जी, जवाब आपका मिल गया। सलमान रुश्दी को आपने स्वामी दयानंद से मिला दिया, बहुत जिंदाबाद, सही जा रहे हो। मतलब ये फिर हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं होती इस तरीके से। रिजल्ट पे मत आइए प्लीज। मुझे बात बताओ पूरी सिंसियरिटी के साथ, जब आपको सलमान रुश्दी का पता ही नहीं है यार, क्यों डेंगे मारते हैं? क्या जरूरत है बात करने की जब पता ही नहीं सलमान? शब्द प्लीज मर्यादित रखिए। बात सुनो, डेढ़ घंटे से आपको मौका दिया है। सलमान रुश्दी का पूरी दुनिया को पता है सलमान रुश्दी कौन है। सुनिए, आपके साथ तो सबसे ज्यादा आपको टाइम दिया गया, सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया गया है सर, तो मत दीजिए। अभी तक के कोई एक पॉइंट भी आप साबित नहीं कर पाए। मैं तो बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पे हूँ, देख मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जो दयानंद दीजिएगा, मैं, मेरा भाई मेरी बात सुने, ये आपको टाइम मुफ्ती साहब की ही स्ट्रीम में ही मिला है और यही मिलेगा, ये इनका खलाक है, ये आपको टाइम दिया है। आप मेरे पास होते डेढ़ से दो मिनट बाद आप जा चुके, आप रेस्ट कर रहे होते मेरा भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं उन लोगों से बात नहीं करता जिन लोगों की बुनियाद ना हो। मैं मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लेना प्यारे भाई, प्यारे भाई मेरी बात सुन। चले मेरे ख्याल से देखें ऐसा है, द मैसेंजर साहब, बात आपसे हुई हमें अच्छा लगा, चूंकि बहुत ही आपने मर्यादा के साथ और एक अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया है, विच जो सनातनियों में बहुत रेयर है आजकल, तो ठीक है आपने बहुत अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। लेकिन चाहूंगा कि आप अगली आए, हमारे पास सुन लीजिए, मेरी स्ट्रीम 3 घंटे होती है और 7 मिनट ऊपर हो चुके, ठीक है तो सर, मुफ्ती साहब मुझे बस 2 मिनट दीजिए, आप इनसे जेन्युइन सवाल पूछना है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है ना सर, मैं अगर कोई गलत बात बोल रहा हूँ जो लॉजिकली नहीं हो तो आप बताइए। आपकी बात लॉजिकल है या नहीं, श्याम भाई लास्ट कॉमेंट कर रहे हैं आपके साथ। जी जी मैसेंजर भाई, जैसे कि आपने बोला था कि आपके पास चेन ऑफ नरेटर्स है, सारे नरेटर्स है आपके पास, और आप मानते हैं कि वेद ऑथेंटिक है, राइट? जी। और ये एक पहले ओरल ट्रेडिशन से आया है, लोग मेमोराइज करते थे, आज के दौर में भी मेमोराइज करते हैं, ये चेन ऑफ नरेटर्स आपके पास है, गुरु परंपरा, ठीक है? जी 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 ठीक है। तो आप विष्णु पुराण अगर आप पढ़ेंगे, बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 4, तो पहले तो मैं आपसे एक सवाल, सिंपल सवाल करना चाहता हूँ, वेद जो 4 वेद है ना आज के दौर में, कितने वर्सेस मौजूद है इसमें? रैंडम नहीं है, मुझे याद नहीं है, 22,000 ऐसे कुछ है, 20,000 के ऊपर है, 20-22,000 है, ठीक है? ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो विष्णु पुराण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 में लिखा है, द ओरिजिनल वेदास इन 4 पार्ट कंसिस्टेड ऑफ 100,000 स्टैंजास, 1,00,000 वर्सेस थे इसमें ओरिजिनल वेदास में। अगर आपकी गुरु परंपरा जो थी, चेन ऑफ नरेटर्स थे जो मेमोराइज करते थे, ओरल ट्रेडिशन से आ रहे थे अभी तक के, तो 1,00,000 वर्सेस आपके 4 वेदास में आज मौजूद रहना चाहिए था, पर वो नहीं है, आज सिर्फ 20,000 है सिर्फ। जी। तो ये बाकी के जो 80% वेदास है वो खो गए, इसीलिए स्वामी विवेकानंदा बोलते हैं, उनकी किताब में लिखते हैं, बोलते हैं कि द मेजर पार्ट ऑफ द वेदास हैज बीन लॉस्ट। सर आप इस बात को मानते हैं कि नहीं, जो ज्ञान होगा वो सर्टिफाई पीछे चेन ऑफ नरेशन से जो मिलेगा वही प्रमाणिक होगा, इस बात को आप किताब, जी 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 जी, एक मिनट दीजिए, आपने बताया, एक मिनट आपने बताया कि आप किताब से बाहर नहीं जाएंगे, मैं किताब के अंदर से बता रहा हूँ। आप विष्णु पुराण खोलकर कमेंट्री क्यों दे रहे हैं? नहीं, विष्णु पुराण बता रहा हूँ, विष्णु पुराण में 1,00,000 वर्सेस है लिखा हुआ, मुझसे सुन लीजिए। विष्णु मैसेंजर, विष्णु
विष्णु पुराण का जवाब ये है कि उन्होंने ये कहा है ना कि एक एक लाख से जो एक करोड़ आप 100 करोड़ बता रहे हैं, 100 करोड़ से वो जो श्लोक हैं वो घटके इतने हो गए हैं, तो उन्होंने 100 करोड़ नहीं 1 लाख, ठीक है 1 लाख से वो घटके इतने हो गए हैं, तो उसमें यही बात है कि जो क्या कहते हैं जो उसको जो ट्रांसफर करने वाले हैं शुरुआत में वेदों का ज्ञान प्राप्त करके, जब भगवान जब वेदों श्वास रूप में वेद प्रकट होते हैं तो 1 लाख में होते हैं, मगर जो उनको जब श्लोक बद्ध किया जाता है तो उसमें श्लोक कम हो जाते हैं, उनका सार कम में आ जाता है। जबरदस्त, क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है, ये बात है, क्या बात है। भगवान जो है अपनी बात को बहुत फैलाकर कहने वाले थे, लेकिन बंदों ने ये किया कि उस फैली हुई बात को मुख्तसर करके आगे भेजा, तो जो काम बंदों को करना था भगवान खुद ही करते थे। बंदों ने नहीं, भगवान ने किया, ये भी ये काम नहीं किया ना, अगर यही किया तो फिर 80,000 और 1 लाख का फर्क कहां से हुआ भाई, कॉमेंट्स में देखिएगा कि किसकी लॉजिक ठीक है किसकी नहीं। आप ये कह रहे हैं कि बंदों ने किस तरीके से आप चाहते हैं कि आप ही को विवेकानंद को आप मत मानिए, आप जाकर मैसेंजर आप अपनी खुद बात सुनो, आप एक बार खुद सुनना, आप एक बार खुद सुनना कि आपने कहा क्या है, ठीक है ना। अब आपने जो जुमला बोला ना लास्ट में, इससे पता चला, अपना ख्याल रखें, बहुत धन्यवाद, बहुत हो गया भाई, हमें स्ट्रीम भी खत्म करनी है, ओवरडोज हो गया मुझे, माइग्रेन हजरत, मुझे इनकी मंतक सुन के माइग्रेन शुरू हो गया, बड़ी हैवी मंतक है भाई। मेरे ख्याल से आपने मेरी वो गुफ्तगू नहीं सुनी जो मैंने अभी अपलोड की थी, एक फोन का कॉन्वर्सेशन, टेलीफोन हजरत, मैंने सुनी है, वो मैंने सुनी है, वो आपका सबर है, उफ, तौबा, तौबा, तौबा। मैंने आधे घंटे सुनी है, यकीन करें, मैं चाय बना आधा घंटा तो मेरा दिमाग धुआं छोड़ना शुरू हो गया, मैंने कहा क्या हो गया ये, और मैं दिल में पता क्या सोच रहा हूँ, मैं कहा हजरत क्यों अपना टाइम वेस्ट, आपने जब कहा है ना कि मैं ड्राइव करके पहुंच गया हूं, मैंने कहा शुक्र है जगह पे पहुंचे हैं, कॉल बंद हुई है। असल में मैं रात में ड्राइव कर रहा था और मुझे होटल पहुंचना था और नींद आने लगी मुझे, तो मैंने कहा यार चलो इससे बात कर लेते हैं, तो नींद गायब हो जाएगी। तो वो 1 घंटे का वक्त था, मैंने 1 घंटा किस तरीके से गुजरा, तो मेरी तवज्जो रोड के ऊपर भी थी और मेरी तवज्जो फोन पर भी थी, तो इस तरीके से वो गुफ्तगू हुई है। तो बहरहाल उसका सेकंड पार्ट, वो तो जब मैं जा रहा था फिर वापसी में ऐसे ही हुआ, मैंने कहा चलो इसकी इससे बात रह गई, फिर दोबारा मिला इसको, तो वो अभी सेकंड पार्ट आना है उसका, वो आ चुका है। हाँ, तो उसमें भी थोड़ा सा सरदर्द के लिए तैयार रहिएगा। जबरदस्त। अच्छा हजरत, मैं एक चीज, यहाँ ये जो भाई मैसेंजर भाई आए थे, चूंकि ये हमारे एक एक्स हिंदू भाई ने रिकमेंड किए हुए हैं, मेरे पास भी आए हैं एक दो, कैसर भाई के पास आए, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से शायद नहीं आ सके, ये किसी बिजी होने की वजह से वो नहीं आ सके, आएंगे तो फिर और बात हो जाएगी, मगर ये है कि आप इनकी जितनी इन्होंने गुफ्तगू की है, ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस तरीके से गुफ्तगू रख रहे थे जैसे निहायत माकूल और निहायत मुस्तनद और निहायत मुहकम गुफ्तगू है, मगर आप एक इनका कॉन्ट्रडिक्शन का लेवल तब चेक करें कि अगला हिंदू आएगा ना, उससे आप सेम सवाल पूछेंगे, वो आपको 180 डिग्री का एक अलग जवाब देगा। आप इधर लाखों बैठ जाएं, आप लाखों मुसलमान आएंगे, आप उनसे पूछें कुरान की कितनी सूरतें हैं, कुरान कितने सालों में आया, कुरान क्या है, वो आपको सेम जवाब, एक ही जवाब आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोले जी। अच्छा, और जो जो लॉजिक और तर्क वो दे रहे थे, बिल्कुल, यानी एक बच्चा भी ये तय कर सकता है कि यार ये क्या बात कह रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 1 लाख श्लोक आए, दूसरी तरफ वो कंप्रेस करके 20,000 कर दिए, तो भाई ये काम खुदा ने काहे नहीं कर दिया, या तो आप ये माने कि खुदा को करना नहीं था, उसकी हिकमत के खिलाफ था, और या करना था लेकिन कर नहीं सकता था, दोनों ही चीजें गड़बड़ हैं। अगर उसको करना नहीं था, उसकी हिकमत के खिलाफ था, तो फिर बंदों को भी नहीं करना चाहिए था, उनको भी 1 लाख रखने चाहिए थे, क्योंकि खुदा की हिकमत के खिलाफ कोई काम किया क्यों। जी सिंपल एक सवाल था सैम भाई, मैं चाहूंगा इसके बाद आप बोले, सिंपल एक सवाल पूछा था कि वेदास लिखी किसने, को मुश्किल नहीं थी, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जवाब ही देना ही नहीं चाह रहे थे, कितना कनी कतरा रहे थे, तो बड़ा दुख होता है कि जानते बूझते भी ये चीजें हो जाती हैं। खैर बर जी बस मैसेंजर को मैसेज मिल गया है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और शायद रिवाइंड करके हमारा फिर से एक बार देख ले सकते हैं, वो पहुंच गया मैसेज। ठीक है, अच्छा मैं 2-3 कॉलर को क्विकली ले रहा हूँ। फकरे, क्या ये फकरे गयूर जी जी भाई,
मनीष्राम क्विकली, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलें। मैं कह रहा हूँ दो लोग आए थे, देसी नियो और एग्नोस्टिक स्केप्टिक जी, तो उन्होंने उन्होंने जो बातें लाई थी इवोल्यूशन और इससे, उससे मेरी परसों ही बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि जैसे वही एग्नोस्टिक कह रहे थे कि तुम लोग कैसे मानते हो इवोल्यूशन को, तो मैंने कहा था कि हम माइक्रो इवोल्यूशन तो मानते हैं मगर स्पीशीशन का कंसेप्ट को नहीं मानते, तो फिर कह रहे थे क्या लगे कि वही कैसर अहमद राजा साहब, आप तो मुजाहिदा में हैं क्या, आप कोर्स में शामिल मेरे? ना ना ना, क्योंकि ये ओपिनियन मैं कई मर्तबा अपने कोर्स में दे चुका हूँ, तो खैर चलें, क्योंकि आपने मेरे ही अल्फाज दोहराए हैं तो आप आई डोंट नो एक इत्तेफाक हो सकता है। पीएचडी हूं बायोकेमिस्ट्री में। ओके दैट्स ग्रेट। तो क्योंकि मैं पीएचडी हूं बायोकेमिस्ट्री में और मैंने इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, तो अब फिर उन्होंने कहा कि देखो, फिर मैंने उनको कहा कि देखो साइंस ऑब्जर्व करती है, चीजों को निकालती है और अल्लाह का काम है, उसने बनाया तख्लीक किया, आप हमारे लिए छोड़ दिया, तो इसीलिए देसी नियो ने वो क्वेश्चन पूछा था कि बैक्टीरिया और इसका और इनका, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह ने तो साइंस में चुल की है और उन्होंने तो ये किया है, और वो हदीस जो आपके सामने लेके आए थे मेरे सामने भी लेके आ गए, तो मैंने कहा कि इसमें क्या है, ने कहा पहले प्लांट्स आए फिर लाइट आ गई, तो उस वक्त मतलब क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में ये बात स्ट्राइक नहीं हुई क्योंकि मैं और चीज पे गया, मैंने कहा कि प्लांट्स तो ये मतलब विदाउट लाइट भी ग्रो होते हैं और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इस पे हैं, मैंने उनको वो बताया आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो चुका है और अभी इस पे ये नॉर्वे वॉल्वे साइड के लिहाज से वहाँ पे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स कैसे करवाएंगे और इसी पैटर्न पे करवाना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। अब मेरा ये पॉइंट है कि अच्छा, फिर मैंने इस पे खूब सोचा, मैं आपसे करेक्शन चाहता हूँ क्योंकि थियोलॉजी भी इन्वॉल्व रहती है इसमें, तो वो करेक्शन इसीलिए चाहता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, तो फिर मैंने इस पे सोचा कि चलो ठीक है, हम ये सीधे डायरेक्ट मान लेते हैं कि अल्लाह ने प्लांट्स बनाए फिर उसके बाद लाइट बनाई। अब मैंने फिर क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि प्लांट कल्चर करते हैं तो हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, -165 -196 नाइट्रोजन में डालते हैं और फिर उसके बाद उसमें छोड़ देते हैं, फिर जब हमें कल्चर करना हो तब निकालते हैं, तो उसकी बायो एक्टिविटी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज है रुक जाती है सारी चीज़ों की। अच्छा, वो फ्रीज नहीं होते क्योंकि अल्लाह ने उनमें एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स रखे हैं, तो वो प्रोटीन्स फ्रीज नहीं होते, तो ये निज़ाम चलता है कि फिर निकाल के दोबारा, तो जब लाइट नहीं थी अल्लाह ने प्लांट्स बना लिए, तो वो फंक्शनल प्लांट्स नहीं थे, अल्लाह थोड़ी कहता कि फंक्शनल प्लांट्स बना लिए, अब वहां से फूल भी निकल रहे हैं सब कुछ, फिर उसके बाद जब लाइट पड़ गई तो वो प्लांट्स की बायो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई होगी, तो इसमें कोई मसला नहीं, तो मैं इसीलिए आपसे क्योंकि मैं ये इस पर बहुत सोच रहा था। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने उनको ये जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं भी वो उन्होंने उससे पहले ये लोग तो आते हैं यहाँ पे आपकी स्ट्रीम पे, मैं कल इस्लामिक अवेकनिंग पे भी बताया था, आते हैं तो क्वेश्चन पूछ के चले जाते हैं, अगर आप उनकी मैंने आमिर भाई को और सैम स्टर्न को उसको वो इंस्टाग्राम पे वो पिक्चर भेजी है और वहाँ टाइम रोक के रखा हुआ, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसी बात की, कहा कि इन्होंने एक वो ना रुस्तम और इसने देसी नियो ने बात ऐसे की कि अच्छा हम दोनों बैठ रहे हैं और इसी को देखेंगे कि मक्खी कुछ चाय में चली गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया होगा। तो बेकार है, आप जो अपनी बात कर रहे थे वो एक इल्मी गुफ्तगु हो रही थी, मैं सुन रहा था तवज्जो से, जो ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, मेरे ख्याल से उसके तस्कीरे से हम अपनी जमानों को नापाक ना करें, तो मैं भी चाहता था मैं ना बोलूं, मगर मेरा ये हिपोक्रेसी है इनकी कि वहां पे क्या क्या कहते रहते हैं, किस तरह से ये जी बातें करते रहते हैं। वो हमारे यहाँ आते हैं उनमें से देसी न्यू खुसूसन, और इसके अलावा और भी लोग हैं वो आते हैं, उनको एक सवाल करना होता है और ये जहन में अक्सर ये सोच कर आते हैं कि अगर हमारे मतलब का सवाल मिल गया तो हम स्ट्रीम कर देंगे उस पर, और अगर नहीं मिला तो खामोश बैठ जाएंगे। तो ये साहब अहमद शेब मलिक की भी किताब पढ़ी है, और क्योंकि मेरी उसके साथ बात भी होती रहती है एकेडमिया पे, तो उनके साथ मतलब वो भाई का, और उन्होंने जो पैटर्न इन्होंने उसमें भी थोड़ी सी ही आधी बातें की क्योंकि अपने गर्ज की बातें की, उन्होंने जो हर्मेनोटिक्स की है ना इमाम अल गजाली हर्मेनोटिक्स, यानी इमाम अल गजाली के उसूल पे इमाम अल गजाली इस चीज को कैसे हैंडल करते, तो उस चीज पे अगर आप उनसे पूछोगे ना तो वो खुद भी कहेंगे कि ये बहुत कम्प्लेक्स है, मैं अभी भी इस बात पे नहीं पहुंचा हूँ,
मगर ये उनको इस तरह लेके आ गए कि जैसे उन्होंने कुछ कोई अलग ही दावा किया हो और अब आपसे उनके लिए कुफर का फतवा मांग रहे थे। तो ये भी उनके लिए वो मेरे जबान से निकलवाना चाहते थे कि मैं काफिर कह दूं। यानी ये ऐसा है जैसे लोग जो है काफिर बनाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, कुफर साज मशीन हमने लगा रखी है, कितना बटन दबाया एकदम कुफर का गोला दागा, ऐसा इस तरह कुछ समझा हुआ इन लोगों ने। तो खैर आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं चाहूंगा कि आपसे इंशाल्लाह किसी दिन तफसील से मैं गुफ्तगू करूं। आप अगर मुझे अपना मुझे ईमेल कर दें अपना नंबर, तो मेरा ईमेल जो है वो askmuftiynw@gmail.com, तो आप मुझे ईमेल कीजिएगा इंशाल्लाह, फिर मैं आपसे रابطہ करूंगा। ये जो आपने गुफ्तगू की ना, ये गुफ्तगू आज की स्ट्रीम में थोड़ा सा पहले होनी चाहिए थी, बहुत अहम गुफ्तगू थी। मैं चाहूंगा कि किसी दिन तफसील से आपको लेकर आऊं और इंशाल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू करें हम। आप दोबारा ईमेल आईडी बताइए, askmuftiynw@gmail.com। ठीक है, अब मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि मेरी बात इनको इस तरह से हुई है कि मैंने इनको जो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूँ कि आप ये समझते हैं कि माइक्रो एवोल्यूशन पॉसिबल है और स्पीसिएशन में की जो थ्योरी है हमें उससे इत्तेफाक नहीं है, यही है ना आपका नजरिया? यही एग्जैक्ट मेरा भी नजरिया है। मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लगा कि मैं मेरी और आपकी राय यहाँ मिल रही है, तो इंशाल्लाह कैसर भाई आदे का सिलसिला रहेगा। हजरत कैसर भाई ने भी इसके ऊपर डिटेल में कहा हुआ, कैसर भाई भी इस चीज को, और ये चीज तो प्रूवेबल है ना, ये चीज तो एविडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो इंशाल्लाह आप मुझे ईमेल करेंगे तो मैं आई विल कीप एन आई और मैं फिर आपसे रابطہ करूंगा। ये जो अभी नोबेल प्राइज वाली हजरत, ये जो आप कह रहे हैं इंटरस्पीशीज जो है एवोल्यूशन जो हुई, ये जो अभी नोबेल प्राइज मिला है, ये स्वांते पाबो की जो हम बात कर रहे थे, उसने जो ह्यूमन जीनोम के ऊपर एवोल्यूशन के तौर पर रिसर्च की है, तो नेंडरथल्स और जो दूसरी एक स्पीशीज है उसके साथ सैपियंस की इंटरब्रीडिंग हुई है, इससे उसने पता चला है कि हमें ट्रेस मिलता है डीएनए, यानी ब्रीड होना ही इस बात की दलील है कि एक स्पीशीज है। ये लोग इसको तस्लीम करते हैं जी, तो फिर हमें तो उसमें मसला नहीं, इंटरस्पीशीज एवोल्यूशन में तो कोई मसला नहीं हुआ। जी जी ठीक है, बहुत बेहतर है, चले सही है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा मैं एक दो कॉलर और लेने हैं। फैसल साहब जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम तुल्ला जी, खैरियत मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, एक छोटी सी आप क्लिप बना सकते तो मेहरबानी, जो क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस, मतलब किस बुनियाद पे कौन सी हदीस को हम उम्मत में इत्तेफाक है, जो पहले इम्पोर्टेंस देते जैसे कि बुखारी, अबू दाऊद, सही हदीस, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस का आप वीडियो बनाए तो बेहतर रहता। चलें ठीक है, छोटी सी, बहुत बेहतर, जरूर है। चलें, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो वैसे वलीउल्लाह मुहद्दस देलवी साहब के जो बेटे हैं गालिबन अब्दुल अजीज मुहद्दस देलवी साहब, उन्होंने किताब बुस्तानुल हदीस, बुस्तानुल मुहद्दिसीन, उसमें उन्होंने कैटेगराइज किया है कि पहले दर्जे की किताबें कौन सी हैं, दूसरे दर्जे में, तीसरे में, सारे। देखें मैं हमेशा ही बात कहता हूं कि उसूल हदीस में बहुत सारे, जैसे ये कैटेगराइजेशन है, ये कैटेगराइजेशन मुत्तफक अलैह नहीं है, नहीं है, कैटेगराइजेशन से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने अपने पुराने लोगों से इख्तलाफ किया है, मसलन उसकी उनकी उनकी एक नजरिया ये है कि मुअत्ता को जो है कुतुबे सित्ता में क्यों शामिल नहीं किया गया, इब्न माजा को क्यों, तो उन्होंने इससे इख्तलाफ किया है। तो ये एक खालिस एकेडमिक ये टॉपिक है, इस पर जो है ये स्ट्रीमों में गुफ्तगु नहीं होती है, इन मौजूदात नहीं हो सकती कंफ्यूजन। अब हजरत ये भी इख्तलाफ है कि सही मुस्लिम को बाज लोग बुखारी के ऊपर दर्जा देते हैं। हाँ बिल्कुल, मोरक्कन स्कॉलर मगारिबा जो है उनका नजरिया यही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हाँ तो चले ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, और काफी देर हो गई है, 24 मिनट ऊपर हो चुके हैं, 24 मिनट हो गए हैं हजरत। मैं ना करते मैं कल 7 घंटे से ऊपर की स्ट्रीम कर बैठा हूँ हजरत। वो आप हैं और यहाँ हम छोटे किस्म के लोग हैं, हम अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, आप माशाल्लाह लंबी रेस के घोड़े हैं नहीं माशाल्लाह आपके 3 हजरत, एक सुनार अपन क्या कहते हैं, एक लोहार की तो 100 सुनार की, आपका तो कोई हिसाब है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह फीकुम। आप दोनों हजरात ने शुरू से लेकर साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बड़ी अच्छी स्ट्रीम रही है, कुछ मुफीद कारामद बातें हुई हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह हज़रत, हमेशा की तरह आपने इज्जत बख्शी और मौका दिया, और नाज़रीन का भी जिन्होंने मोहब्बत दी, और उनसे माजरत चाहता हूँ जिनको एक नौ मुस्लिमा बहन के लिए हमें स्टेज से साइड पे करना पड़ा, मजबूरी है। काश स्ट्रीम यार्ड के अंदर अनलिमिटेड सीट्स होती तो कभी हमें साइड पे ना करना पड़ता, इसलिए दिल पे ना लीजिएगा, इस्लाम की खिदमत समझ के ये कुर्बानी बर्दाश्त कीजिएगा, बस ये मेरी गुजारिश। अनलिमिटेड सीट्स होती और हमारे पास अनलिमिटेड टाइम होता और हम अपनी लिमिटेड लाइफ में उस अनलिमिटेड टाइम को इस्तेमाल कर लेते, तो फिर ये सब तभी मिरेकल होता ना। मुझे अभी बात हो रही थी, कहने का मुझे अनलिमिटेड, हम खुदा की अनलिमिटेड क्वालिटीज को जान सकते हैं, तो फिर वो लिमिटेड हो गया, तो ये बात। चले ठीक है जी, शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।